के पावन अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ख्रिस्त जयंती मानव समाज के उद्धारकर्ता की जयंती है। मानव समाज के उद्धारकर्ता ईसा मसीह कहते हैं, मैं दाखलदा हूं, तुम डालियां हो। जो डालियां दाखलदा में रहता है फल उत्पन्न करता है। ईसा मसीह कहते हैं, हम सब ईश्वर में एक हैं और जब हम एक होकर रहते हैं और मिलकर रहते हैं समाज का उद्धार होगा। आज ख्रिस्त जयंती के इस पावन अवसर पर विभिन्न धर्म के विद्वान लोग, प्रेमी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। समन्वय परिवार के अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर सिंह गाय जी और सचिव शशिकांत जी और वरिष्ठ सदस्य समीर उस्मानी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। समन्वय परिवार का यही उद्देश्य है कि लोगों को मिलाना, विभिन्नताओं का सम्मान करना और एकता को मनाना, यही कार्य समन्वय परिवार करते आ रहे हैं। डॉक्टर सुधीर सिंघई जैन समाज से है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज के लिए आप अपना संदेश दें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ख्रीस्त जयंती, भगवान यीशु का जन्म दिवस आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। केवल जन्मदिन नहीं मनाया जा रहा है, उनके संदेशों को और उनके सिद्धांतों को मनाया जा रहा है। प्रभु यीशु ने इस दुनिया में प्रेम का, शांति का, परोपकार का, सेवा का और सदाचार का ये संदेश दिया। आज समाज में जो बुराइयां हैं उनको नष्ट करने के लिए इन सब उपायों की ज़रूरत है। यदि हम सत्य की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं और सद्भावना की, करुणा की बात करते हैं, तो हमें निश्चित रूप से भगवान यीशु के उन संदेशों को याद करना पड़ेगा और अनुसरण करना पड़ेगा। जब भी दुनिया को शांति की और सुख की कामना होगी, निश्चित रूप से प्रभु यीशु के ये सिद्धांत, उनके उपदेश हमें मार्गदर्शन देते रहेंगे। हम पुनः उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, उन्हें याद करते हैं और लोगों से अनुरोध करते हैं कि हमारे भीतर जो भी बुराइयां हैं उनको इन्हीं माध्यमों से हम ख़त्म करें और समाज में एक दूसरे से प्यार से मिलें, प्रेम पैदा करें, प्रेम दें, प्रेम लें और अपनी सद्भावना से, अपनी करुणा से उन सबको एक करके रखें। नमस्कार, पुनः आप सबका धन्यवाद।
हमारे मित्र शशिकांत मिश्रा जी, आप हिंदू समाज से हैं, आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आप अपने विचार रखें। ख्रीस्त जयंती के पुण्य अवसर पर आज हम सभी लोग सच्चिदानंद आश्रम में एकत्रित हैं। इतिहास में क्षमा करने का इससे अच्छा उदाहरण कहीं नहीं मिलता कि जो लोग उनके प्राण लेना चाहते हैं उनको भी प्रभु यीशु मसीह क्षमा करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मानव जाति के लिए परम आदरणीय हो जाते हैं, परम पूज्य हो जाते हैं। इसलिए आज के इस अवसर पर हमें उनके गुणों का अनुसरण करते हुए संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए प्रयत्न करना चाहिए, शत्रुओं के प्रति भी दया का भाव रखना चाहिए और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण मानव जाति में प्रचारित प्रसारित करना चाहिए। हमारे बीच में हमारे सम्मानी सबीर उस्मानी जी उपस्थित हैं। आप इस्लाम धर्म से हैं। आज के इस पावन अवसर पर मैं चाहूँगा कि आप अपना विचार रखें। आज मेरे देशवासियों को इस ख्रीष्ट जयंती के शुभ अवसर पर मुबारकबाद। पूरे विश्व के अंदर आज ये दिन बड़े जोर शोर से बहुत खुशियों के साथ मनाया जाता है। मैं सभी को बहुत बहुत तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा। और लोगों से कहा कि ऐ लोगों, दया, करुणा, सेवा और क्षमा, ये चार मंत्र अपनी जिंदगी में याद रखना, और इन्हीं चार मंत्रों को आगे बढ़ाते हुए ईसाई धर्म ने पूरी दुनिया के अंदर आज ईसाइयत को मानने वाले, ईसा धर्म को मानने वाले सबसे बड़ी तादाद में। मेरा कहना यह है कि सारी दुनिया में जो भी महापुरुष आए, पैगाम लेके आए, उन्होंने रास्ते अपने अपने हिसाब से सिमिलर बताए। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, रास्ते अलग अलग होते हैं, लेकिन ठिकाना एक ही जगह जाके मिलता है। आज इस खास मौके पर मैं पूरे दुनिया के लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो गॉड ने हमें पैगाम दिया है, दया, सेवा, करुणा और क्षमा, इसको अंगीकार करते हुए अपना जीवन यापन करें, यही कामना के साथ साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को मेरी क्रिसमस लीजिए प्रस्तुत है ये प्यारा संगीत। Thank you.
है।